और सिंघू बॉर्डर पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा की घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया है। अब यहां पहुंचने वालों की मुश्किलें बढ़ गई। किसान आंदोलन के चलते हर रोज सिंघू बॉर्डर की तस्वीर बदलती जा रही है। परसों सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग पहुंचे, बहुत ज्यादा संख्या थी, जिसके बाद उन्होंने किसानों का विरोध किया। उनका कहना था कि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको बॉर्डर बंद होने की वजह से खासी दिक्कत आ रही है, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में पथराव हुआ। काफी देर तनावपूर्ण माहौल रहा, हिंसा हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए, बल्कि जो अलीपुर थाने के SHO थे उनके हाथ पर भी तलवार लगी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया है और एहतियात के तौर पर जो बैरिकेडिंग आगे की गई थी उसको 2.5 किलोमीटर और पहले की तरफ कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो बैरिकेडिंग है उसको किया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की जो टीम है, फोर्स है, उसको बढ़ाया गया है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। काफी ज्यादा संख्या में जो पुलिसकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन आज देखिए सुबह सुबह ही इन लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। ना तो इन लोगों को पैदल जाने दिया जा रहा है और ना ही कोई गाड़ी आगे की तरफ जा पा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।